देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो, एक अच्छा सवाल है। इसमें कहा जा रहा है कि एक स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास 500 ग्राम है, मतलब 0.5 kg है। तो अगर यहाँ से मास 0.5 kg है, ये वाली चीज़, ठीक है ना, तो मास 0.5 kg पास थ्रू हॉरिजेंटल स्प्रिंग फिक्सेड 1 इंच ऑफ लेंथ जो है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, स्प्रिंग अगेंस्ट ए, हाँ ये जो 10 सेंटीमीटर क्या है कि स्मॉल ब्लॉक ऑरिएंटल स्प्रिंग एट 1 इंच ऑफ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मतलब स्प्रिंग की ये वाली जो डिस्टेंस है, इफ द ब्लॉक मूव हॉरिजेंटली इट लीव स्प्रिंग व्हेन इट हिट द ग्राउंड 5 मीटर बिलो द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, वेयर इट हिट द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड को कहाँ हिट करेगा, ये हमें निकालना है। बात समझ में आया? तो अगर यहाँ पर तुम देखोगे, हाँ देखो यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर एक्चुअली इट इज द कंप्रेशन, मतलब ये स्प्रिंग में इतना कंप्रेस हुई है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 यहाँ से 0.1 मीटर स्प्रिंग कंप्रेस हुई है। तो अगर जैसे ही स्प्रिंग खुलेगी तो स्प्रिंग के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो स्प्रिंग की यार पोटेंशियल एनर्जी, जब स्प्रिंग खुलेगी तो स्प्रिंग की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये भी स्पीड से चलेगा ब्लॉक। तो अगर भी स्पीड से हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट हुआ तो यहाँ 5 मीटर नीचे लैंड करेगा और रेंज की वैल्यू यहाँ पे हमें हमें बेसिकली निकालना है ये कि वेयर इट हिट द ग्राउंड, मतलब रेंज कितना होगा, ये वाली चीज़, ठीक है। ये दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, स्लाइटली थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो यहाँ से कितना मतलब हिट करेगा रेंज, ये वाली चीज़, समझ रहे हो। तो सबसे पहले देखो, बी स्पीड से जब फेंका गया, एच हाइट प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब इतनी वेलोसिटी से अपना स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 और ये एक्स का स्क्वायर करोगे तो 0.1 का होल का स्क्वायर और मास जो है 0.5 और स्पीड बी का स्क्वायर, मतलब 100 और मल्टीप्लाइड 0.01 यहाँ से और ये 0.5 और स्पीड बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो दो दो जीरो है इससे ये ख़त्म हो गया, मतलब 1/0.5 और मतलब ये आ जाएगा 10/5 अंडर रूट दैट इज स्पीड बी। तो स्पीड बी इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड बी आ जाएगा वो √2 m/s। तो जो ब्लॉक है एक्चुअली यहाँ से हॉरिजेंटल स्पीड √2 m/s से उछलेगा। अब जब उछलेगा तो ये प्रोजेक्टाइल बनेगा और यहाँ इसको हिट करेगा। हम सबको पता है कि जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है यहाँ √2 है, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो होता है वो 0 होता है टॉप पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे बात कर रहा हूँ भाई बच्चों, तो टॉप पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे टॉप पॉइंट पे अगर बात करोगे, इस टॉप पॉइंट पे तो इस टॉप पॉइंट पे ये वाला डेटा होता है। अब हमें रेंज निकालना है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा ब्लॉक को नीचे गिरने में टाइम कितना लगा। तो ग्राउंड से कितना ऊपर था ब्लॉक, अगर देखोगे ग्राउंड से उसकी हाइट देखोगे तो 5 मीटर ऊपर था। तो मैं लगा देता हूँ S इज इक्वल टू UT+½ AT² इन Y एक्सिस, ठीक है ना। टॉप से ऊपर से यहाँ से देखो, यहाँ से एक बॉल इधर फेंका गया था, इधर नहीं फेंका गया था ना, तो ये 5 मीटर ऐसे जाके यहाँ गिरेगा, तो नीचे कितना आया, 5 मीटर ही आया ये वाली हाइट, ठीक है। ये तुम्हें चाहिए, तो जो टाइम होता है पॉइंट बी पर लैंड करने का, जो टाइम है हॉरिजेंटल और वर्टिकल में टाइम क्या होता है, सेम होता है भाई। यहाँ से इसको आगे जाने में लगा हुआ टाइम और यहाँ से इसको नीचे आने में लगा हुआ टाइम, ये दोनों टाइम जो है हमेशा सेम होंगे, ये वाला टाइम, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, 2-dimensional मोशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि S इज इक्वल टू UT, मतलब अगर तुम देखोगे नीचे आया है तो नीचे तो इनिशियल -5 m और इनिशियल वेलोसिटी 0, -½ g की वैल्यू कितना ले लूँ, चलो मैं 10 ही ले लेता हूँ और टाइम t का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 5, तो टाइम t आ जाएगा 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जो ब्लॉक है वो नीचे आ चुका होगा।
तो अगर रेंज देखोगे, रेंज रेंज क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, समझ रहे हो ना, एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में एक्सलेशन जीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं है, ग्रेविटी वाई एक्सिस में लग रही है, तो रेंज आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कांस्टेंट है वी मल्टीप्लाइड बाई टी। वी की वैल्यू कितनी थी, रूट वन, और टाइम वन सेकेंड लग गया, रूट टू की वैल्यू 1.414, इतना मीटर इसका रेंज आ जाएगा, ठीक ना। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये प्यारे बच्चों सी ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।